हमने उनमें भी देखा था मान लीजिए हमने ये COOH ओ एच ग्रुप लगा दिया आपके बेंजीन रिंग के ऊपर इसमें जो डिफरेंट रिएक्शन हो सकती है लाइक आपके सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है हो सकता है जो क्लीवेज हो जाए यहाँ से CO बोंड का क्लीवेज हो जाए ताकि यहां से ये ओ एच OH ग्रुप ही आपका रिप्लेस हो जाए या हो सकता है आपके जो ओ OH एच है यहाँ पे ब्रेकेज हो जाए

लोन जाने से तो कार्बन क्या करेगा अपने दोबारा मेंटेन करेगा वैलेंसी को मेंटेन रखेगा फोर वैलेंसी होती है कार्बन की तो वीक बॉन्ड पाई है तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो कार्बोनिल ग्रुप वाली ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगी तो दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा रेजुनेस चलने की वजह से

तो हमारा जो ये पार्ट है ये किससे रिलेटेड है तो फर्स्ट हो सकती है जब सी और OH के बीच बॉन्ड क्लीवेज हो सेकेंड हो सकती है ओ और एच के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो थर्ड हो सकती है सीओ जो कार्बोनिल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन हमने बताया वो कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है आपके क्योंकि आपके रेजोनेंस हो जाती आपके जैसे अभी बताया, के जो पेर है आपके डबल बॉन्ड के साथ सो दे गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इसलिए जो कार्बोनिल ग्रुप है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है रेजोनेंस की वजह से या सी एच ग्रुप ही पूरा इन्वॉल्व हो जाए तो इस टाइप से ये डिफरेंट रिएक्शन होगी जो भी अभी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे वन बाय वन आप देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमने लगा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर तो इसे आप कहते हैं बेंजोइक एसिड क्या कहते हैं आप इसे बेंजोइक एसिड अगर हम इसके अंदर Na डाल दें क्या डाल दें इसमें सोडियम आप जानते हैं सोडियम तो ग्रुप 1 ग्रुप 1 एलिमेंट है एटॉमिक नंबर इसका 11 है देखो सोडियम का तो ये क्या चाहेगा ये चाहेगा मैं स्टेबल हो जाऊँ स्टेबल होने के लिए बोलो इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया

आपके हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो गई तो साइड में कौन बचा था एन ए पॉजिटिव एन वो किसके साथ जा लगेगा ओ नेगेटिव के साथ तो ये बन गया सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन गया सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड नाम है इसका सोडियम बेंजुएट और अगर आप इसमें एन और एनएच डाल देते तो क्या होता सोडियम की वजह तो इसमें दो पार्ट हो जाते देखो एक तो एन पॉजिटिव होता है यहाँ पे और दूसरा पार्ट बोलो कौन होता है नेगेटिव तो अब ओ एच नेगेटिव आपके जो एसिड का एच पॉजिटिव है वो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो वाटर लॉस हो जाएगा कंपाउंड वही बनेगा सोडियम सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड एक लेबोरेटरी मेथड है कि अगर आप सोडियम डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तो देखो क्या होता है जैसे अभी आपको ये दिख रहा है यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एसिड ले रखा है देखो और हमने बाहर से देखो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो क्या डाला हमने बाहर से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे डाला सोडियम बाई क्या डाला इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट NHCO3. तो जैसे ही हम सोडियम बाइकार्नेट डालते हैं या तो पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्नेट डाल दें या आप इसका एक्वा सोल्यूशन बना के भी डाल सकते हैं जो कंपाउंड आपने बेंजोइक एसिड लिया जो व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है आपने इसको थोड़ा पानी के अंदर डाला डिजोल्व किया तो बेंजोइक एसिड आपने लिया उसका एक्वा सोल्यूशन बना के और उसके अंदर एक्वा सोल्यूशन ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट का डाल दें या आप पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट भी डाल सकते हैं तो जैसे ही आपने ये डाला डालते ही साथ सीओ टू गैस इवोल्व हुई बोलो तो कौन सी गैस इवोल्व हो, इवोल हो गई आपकी सीओ टू क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो सीओ टू ग्रुप का इवोल्व होना ये प्रूव करता है कि जो भी आपका कंपाउंड है उसके अंदर सीओ एच प्रेजेंट है सो द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिस्क एफेंसू टूल इंडिकेट दी एच ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इज द बेंजोइक एसिड तो इस टेप से ये एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है चाहे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जैसे हमने बेंजोइक एसिड यहाँ पे ले रखा है तो सीओ टू गैस आपकी इवोल्व स्टेप से हो जाती है तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम जो सोडियम सोल्ट बनाते हैं अगर आप सिंपल सोडियम डालते अगर आप सोडियम भी डालते हैं ना बेंजोइक एसिड का अगर आप एक्वा सोल्यूशन लेके ऐसी ट्यूब में सोडियम डालते तो जैसे अभी हमने बताया सीओ टू गैस यहाँ पे इवोल हो रही है तो वहां पे कौन सी गैस इवोल होती वहां पे इवोल्व होती जैसे हमने पहले बताया हाइड्रोजन गैस अगर सोडियम बाई कार्बोनेट आप डाल रहे हैं तो कौन सी गैस इवोल हो रही है सीओ टू गैस तो जो गैस इवोल्व हुई है वो डिफरेंट ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बेंजोइक एसिड के अंदर जब आप सोडियम का पीस डालते हैं तो कौन सी गैस इवोल होती है आप आंसर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस

यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर डाला था मींस 1 मोल ही एनएच का डाला था तो आपके सोडियम बेंजोएट आपका बन गया था यहाँ पे तो अगर हम एक्सेस में डाल दें एनएच तो क्या होगा तो देखो ये Na2CO3 देखो इस स्टेप से निकल जाएगा यहाँ से Na2 हो गया और ये क्या हो गया बोलो CO3 देखो इस स्टेप से Na2CO3 आपका एज ए साइड प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाएगा Na2CO3 तो Na2CO3 अगर साइड प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाएगा आपके तो बताओ आपका क्या बच गया एच बच गया, यहाँ पे. H गया तो इस टाइप से आपने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं तो बेंजोइक एसिड की जो मेन प्रॉपर्टी जो आपने स्टडी की यहाँ पे जो पढ़ी आपकी वो प्रॉपर्टी आपकी क्या थी जिसके अंदर आपने ये देखा कि अगर बेंजोइक एसिड के का अगर आपको सोल्ट बनाना हो और वो भी सोडियम सोल्ट बनाना हो तो आप क्या करते हैं तो सोडियम सोल्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं इसके अंदर आप एन भी डाल सकते हैं अभी आपने देखा या एन ना डालें तो और आप क्या कर सकते हैं एन ए डाल सकते हैं एनओ डालेंगे तो भी सोडियम सोल्ट ऑफ क्या बन जाता है आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा तो इस तरह से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है क्लियर हो गया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह आ जाता है कि अगर हम बेंजोइक एसिड के अंदर एच आई ओब्लिक में रेड फॉस्फोरस डाल दें तो क्या होगा

कि कई बार होता क्या है यहाँ पे कि आपका जो साइड प्रोडक्ट है वो आई डी निकलता है आई टू ताकि आई टू जो आपके ये कंपाउंड बने इसके साथ दोबारा रिएक्ट ना करे और रिएक्ट करके कोई साइड प्रोडक्ट ना बना दे इसलिए हम रेड फॉस्फोरस डालते हैं वो रेड फॉस्फोरस क्या करता है आपके आई टू जो भी बनेगा उस आई टू के साथ रिएक्ट कर जाएगा आई के साथ बोलो क्या कर जाएगा आपका रेड फॉस्फोरस रिएक्ट और रिएक्ट करके आपके बना देगा पी और इसलिए जो I2 जो बनना होता है इस रिएक्शन के दौरान वो फ्री फॉर्म में नहीं होगा फ्री फॉर्म में नहीं होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा जो आपका प्रोडक्ट जैसे टोलविन यहाँ पे टोलविन के साथ I2 रिएक्ट नहीं करेगा दोबारा से और आपका कोई और साइड प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा हम चाहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं वही बने कोई और अदर प्रोडक्ट से ना बन जाए तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है तो इसलिए हमें चाय के साथ हमेशा क्या डालते हैं यहाँ पे रेड फॉस्फरस ही डालते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो कि आपने सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखी थी तो उसके दौरान अब होगा क्या तो जो आपके ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इस कार्बोक्सिलिक 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 एसिड 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 ग्रुप के अंदर से 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 बोलो बोलो क्या निकलेगा? का निकलेगा यहां से OH. क्या निकलेगा निकलेगा का का निकल जाएगा कार्बोक्सलिक्बोक्सलिक OH. और जो एल्कोहल लिया है उसका क्या निकलेगा बोलो यहाँ से एच तो दोनों के बॉन्ड की क्लीवेज हुई कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की क्लीवेज हुई तो कार्बन का एक बॉन्ड देखो कम हो गया देखो थ्री बच गए ऐसे ही यहाँ पे कौन आ जा लगेगा यहाँ पे आके लग जाएगा ओ आर ग्रुप एस्ट्रेस बन जाएंगे आपके क्या लग जाएंगे बोलो एस्टर्स तो बेंजुएट बन गया आपका यहाँ पे क्या बन गया आपका बेंजोएट तो ये थी आपकी फिशर्स वायर रिएक्शन ये तभी कहते हैं जब आप एसिड जो लेते हैं वो एच सी एल लेते हैं एसिड कौन सा लेते हैं आप यहाँ पे HCl तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और ये जो रिएक्शन है इसको अगर आप डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहें कि कंटिन्यूअसली चलती रहे अगली फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर बैकवर्ड डायरेक्शन में ये ना जाए तो आपको क्या करना होता है आपको इसके अंदर यूज करना होता है डीन स्टार कैपरेटस वो क्या करता है जो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है आपके वाटर इसको कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा उसको रिमूव करता रहेगा उसको कंटिन्यूसली बोलो क्या करेगा वो रिमूव करेगा तो इस टाइप से आपने देखा जो हमारी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हैं साइड प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए डीन स्टारेटस यूज करते हैं ताकि हमारी रिएक्शन कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन ना जाए तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखें आप जिसमें ओ एच OH ग्रुप की हम इन्वालमेंट दिखाएंगे जैसे आपने ग्रुप्स रिएक्शन पढ़ी थी एल्कोहल में और ये रिएक्शन आपने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको बताई जा चुकी है तो क्या करेगा यहाँ पे अगर आप एच डाल दें तो एच क्या करता है एच सी पे क्या करेगा इसका जो पार्ट है एच सी एल के अंदर एक तो एच पॉजिटिव है और सी एल नेगेटिव है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ OH, एच और एच सी एल का एच आपस में मिलके क्या साइड प्रोडक्ट बनाएंगे साइड प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वाटर जो वाटर बनेगा वो रिएक्शन तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है तो इसलिए जो वाटर बनता रहेगा उस वाटर को कौन एब्सोर्व करता रहेगा कंटिन्यूअसली जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आपने डाला है तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कंटिन्यूअसली जितना भी वाटर बनेगा उसको करता रहेगा और रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देगा तो ये ग्रूव रिएक्शन होती है तो आपके बेंजोल क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा ओ OH एच हटेगा और क्या लगेगा बोलो सीएल लग जाएगा यहाँ पे तो ये है बन गया आपका बेंज ऑयल क्लोराइड क्या बोलते हैं आप इसे एसिड हेलाइड है ये आपका बेंजोएल क्लोराइड आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो गया

तो आपके क्या हुआ देखो आपने डाला पीसीएल थ्री तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके एच देखो थ्री मोल्स लेने से एच थ्री हो गया फॉस्फोरस एक आ गया पी हो गया और उसके बाद ओ फिर थ्री आ गया तो एच थ्री पीओ थ्री आपका इस टाइप से बन गया साइड प्रोडक्ट और लग क्या क्या बोलो वहां पे जाके सीएल क्या लग गया आपका सीएल वहां पे जाके लग गए कितने सीएल देखो थ्री थे आपके सीएल तो क्योंकि थ्री मोल्स लिए हैं तो थ्री तो हटेंगे क्या लग जाएंगे वहां पे तो सीएल से आप रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि क्यों S3PO3 ही निकला तो इस से आप इस चीज को समझते हैं नेक्स्ट अगर हम पीसीएल ले ले ले, तो आपका क्या बना इसके अंदर एक तो आपका साइड प्रोडक्ट बनता है बेंजोइक एसिड जो है उसके अब की बार एक ही मोल यूज होगा थ्री मोल यूज नहीं होंगे तो उसका ओ आ गया देखो पी पी सी एल फाइव का पी यहाँ से ओ और सी एल तीन यूज हो जाएंगे पीओ सी एल थ्री हो गए जो दो सीएल उनमें से एक सीएल तो एच के साथ लग के एच सी एल की फॉर्म में निकल जाएगा बच गया जो सीएल वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच हो गया और आपका बन गया बेंजोइल क्लोराइड क्या बन गया आपका बेंजोइल क्लोराइड सिमिलरली नेक्स्ट जो वे है आप ओ OH एच को हटा के जो सीएल लगाते हैं वो आपकी डार्जिन रिएक्शन है

और बेस्ट आपका मैंने बताया आपकी डार्जिन रिएक्शन ही है कि आप एसो सी एल टू डालते हैं जिससे साइड प्रोडक्ट आपके एसओ SO टू और सी एल टू होते हैं तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट मिलता है वो हमें प्योर फॉर्म के अंदर मिलेगा क्योंकि कोई साइड प्रोडक्ट को हमें सेपरेट ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी गैसेस फॉर्म के अंदर थे और वो रिमूव हो चुके हैं वो आपके हट चुके हैं पहले ही तो ये आपने देखा नेक्स्ट रिएक्शन इसके बाद अगर हम अमोनिया डाल दे तो क्या होगा अक्सर हम क्या करते हैं जब अमोनिया हम डाले तो हम सीधा क्या, क्या करते हैं कि बेंजोइक एसिड का ओएच एच और जो एन एस थ्री का एच लेके हम वाटर लॉस करवा के और एन एस टू ग्रुप लगा देते हैं माइड बना देते हैं लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के ये पूछते हैं कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा तो इंटरमीडिएट को समझने के लिए हम क्या करते हैं हम ये ध्यान रखते हैं कि जो अमोनिया है इस अमोनिया के अंदर आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है बोलो लॉन पेयर होता है 15 का एलिमेंट है 15, मतलब इसके पास वैलेंसियल में फाइव इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास फाइव में से थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देखो यूज कर चुका है हाइड्रोजन के साथ बोर्ड बना के एन थ्री अब फाइव में से थ्री बॉन्ड पेयर यूज हो चुके हैं नाइट्रोजन के तो एक लॉन पेयर जरूर होता है नाइट्रोजन पे ऐसे आप याद भी रखते हैं

और Na पॉजिटिव देखो इस टाइप से सोडियम सॉल्ट बन गया आपका और आप फर्दर दोबारा से अब इसमें डालते हैं NaOH और Ca और हीट कर देते हैं आप डाल के तो अब क्या होगा अब बन जाएगा आपका क्या निकल जाएगा बोलो साइड प्रोडक्ट आपका सोडियम बाइकार्बोनेट क्या निकल गया बोलो साइड प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट आपका निकल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 और क्या बन गया आपका बेंजीन तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये तो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप एनएच डालते तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है तो ये इंटरमीडिएट पेपर में क्योंकि पूछा जा सकता है तो तो ये ये था सोडियम बेंजोएट जो बीच में बन गया तो ये आपका फर्स्ट कन्वर्जन आपने देखा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द देंजुक एसिडेंट टू बेंजीन नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैन यू कन्वर्ट द देंजुक एसिडेंट टू टॉलविन अभी अभी आपको बताया था कि आप इसके अंदर बोलो क्या डालते हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं एच आई ओब्लिक में रेड फॉस और आप हीट कर देंगे ऐसे रिएजेंट आपको ध्यान रखने होते हैं जैसे आपको समझाया गया था तो आपकी रिडक्शन होगी कार्बन के ऊपर जितने भी ओ लगे हुए हैं वो सारे रिमूवल ऑफ ऑफ ओ होगा होगा और और एडिशन एच तो आपके आपके टोलविन टोलविन बन बन जाएगा क्या बन जाएगा क्या आपका आपके वेज और भी हो सकते हैं हम आपको बता दें वो हमारे नेक्स्ट अलग पार्ट के अंदर आपको समझाएंगे जैसे आपने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट किया तो उसके बाद आपकी बेंजीन की कुछ रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस आप इसके अंदर

तो बेन्जिन रिंग के ऊपर अब ये बन गया इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बोलो कौन सा बन गया ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का, का काम करेगा और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही दिखाता है ये हम आपको अलग लेक्चर के अंदर पढ़ा चुके होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया बेंजीन रिंग के ऊपर तो क्या और वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है देखो बेंजीन के ऊपर हर जगह वो आपका होता है एच बेंजीन के ऊपर जो लगा होता है तो एच अपने इलेक्ट्रॉन देखो छोड़ के चला जाता है यहाँ से बिकॉज इटेट इज द वीक इलेक्ट्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आपका सी एस थ्री पॉजिटिव ये पॉजिटिव से स्ट्रॉग होता है तो अब ये अटैक करता है दोनों इलेक्ट्रॉन सी एस थ्री पोस्टी को मिल जाते हैं बेंजिन के ऊपर देखो सी एस थ्री लग गया आपका वो मैकेनिज्म के दौरान हम आपको समझाते हैं अच्छे से कि किस तरह से ये रिएक्शन चली तो फिलहाल हम आपको सिर्फ कन्वर्जन बता रहे हैं सो देर आर दीज डिफरेंट टू वेज फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजोइक एसिड इन टू तो किस चीज के अंदर टोलविन के अंदर तो बेंजोइक एसिड को डायरेक्ट आप टोलविन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या बेंजोइक एसिड को टोलविन में आप थ्रू बेंजीन भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट पाथ का पता होना जरूरी है क्या पता एग्जाम में आपसे कौन सी बात पूछ ली जाए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बेंजिया ये आपकी एक एटार्ड रिएक्शन होती है यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आपके जो टोलविन है जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं देखो अच्छे से तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझना चाहें तो देखो क्या होगा ऐसा होगा कि जो बेंजीन

तो इसके अंदर जो रिएजेंट हम डालते हैं वो है आपका सीआरओ टू सी एल टू सी आर ओ टू सी एल टू क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं ये ब्राउन की गैस होती है, क्लोराइड. तो, है, e तो टोलविन को जब कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो में तो आप एटार्ड रिएक्शन कर सकते हैं डायरेक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं होती ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है अदरवाइज आप क्या करते हैं के के बेंजीन के आगे एरो लगा के और सीधा लिख देते हैं सीआरओ टू सी एल टू और हीट कर देते हैं और आप क्या कर देते हैं सीएचओ में तो अगर टोलुइन तो के अंदर आप एटार्ड रिएक्शन करके और बेंजेल कर सकते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन हो गया मान लीजिए एग्जाम में आ जाए हमारे की कन्वर्ट एसिड एसिडेंट टू बेनजोहल तो आप क्या करेंगे तो आपको यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन करनी होगी आपको यहाँ पे क्या करनी होगी बोलो पार्शियल रिडक्शन मतलब एक स्टेप और आगे हम चले गए एक स्टेप और आगे बोलो क्या हो गई आपकी एक स्टेप जो आपकी नेक्स्ट है वो क्या बन गई आपकी यहाँ पे अभी तक हमने बनाया था बेंजल हम चाहते हैं रिएक्शन थोड़ी और आगे चली जाए यहां तक तो आपने क्या देखा था देखो ये रहा आपका आपने बोलो क्या किया था यहाँ पे सीआर ओ टू सी एल टू देखो आपने डाला था हीट कर दिया था और ये कौन सी रिएक्शन थी बोला आपकी एटार्ड रिएक्शन हो गई तो जो बेंजोइक एसिड आपको दिख रहा है यहाँ पे और ये बेंचल की जो स्ट्रक्चर है देखो आपको दिख रही है अगर हम इसको दोबारा से देखो यहाँ पे ड्रा करें ओपन फॉर्म के अंदर सी डबल बॉन्ड और देखो एच इस फॉर्म में तो अगर हम इसकी देखो पार्शियल रिडक्शन कर देते पार्शियल का मतलब सी और ओ के बीच का एक बॉन्ड टूट जाए एक एच यहाँ लग जाए एक एच यहाँ पे लग जाए तो कोई और नहीं जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो आपका बेंजाइल ही है बोलो क्या है बोलो बेंजायल एल्कोहल और ऐसा काम करने के लिए जो रिएजेंट आप यूज करते हैं वो कोई और नहीं वो लिथियम एल्यूनियम हाइड्रेड आप यूज कर सकते हैं एल आई एल एच फोर और हीट कर देते हैं लिथियम एल्यूनियम हाइड्रेट ये पार्शियल रिडक्शन करेगा इसकी और रिएक्शन को बेंजाइल एल्कोहल स्टेज के ऊपर रोक देगा मीनस एल्कोहलिक स्टेज के ऊपर रोक देगा ये अल्कोहल आपके तो कहने का मतलब बेंजोइक एसिड को जब आपको कन्वर्ट करना हो बेंजाइल एल्कोहल में डायरेक्ट तो आप क्या डालें तो आप यहाँ पे डाल देंगे लिथियम एल्यूनियम हाइड्रेड एल आई ए एल एच फोर और आप हीट कर देंगे क्लियर हो गया तो इस स्टेप से आप क्या आपने देखा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू टोलविन बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड इंटू बेंजेल एल्कोहल बेन्जेलोहल मीन कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं इस टेप से तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट लीजिए आज एस्टर प्रिपेयर तो हमने देखा ही था, सिंपल फिशर आप इसके अंदर एच सी एल डाल देंगे रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी एस सी डालेंगे तो।, तो क्या करें आप यहाँ पे डीन स्टार्क एपरेटस भी यूज कर लेंगे साथ के साथ क्या यूज करेंगे बोलो डीन स्टार्क एपरेटस

आपके सीएल लगाने तो बताया था जो सबसे बेस्ट मेथड है वो तो आपकी डार्जन रिएक्शन है तो आप SO -C -L -2 डाल के हीट कर देंगे और साइड प्रोडक्ट बोल आपकी क्या निकल जाएंगे यहाँ पे एसओ SO टू देखो एसओ SO यहाँ से एच वहां से ये यह ओ यहा एसओ टू SO फिर एच वहां से आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से एसओ सी एल टू का सीएल तो दूसरी गैस कौन सी निकलेगी एच सी एल तो साइड प्रोडक्ट आपके गैसेज होते हैं सो इट इज द बेस्ट मेथड क्स्ट हम कन्वर्जन देखते हैं कि बेंजोइक एसिड को में कैसे कन्वर्ट करें सोचे आप तो आप इसके अंदर बोलो क्या डालेंगे आप इसके अंदर डालेंगे अमोनिया सिंपली क्या डाल देंगे बोलो आप इसके अंदर अमोनिया डाल देंगे देखो हमें इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे तो क्या लॉस होगा बोलो यहाँ से वाटर अमोनिया का एच और बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का OH. तो वाटर लॉस हो जाएगा आपके बेनजेमाइड बन जाएगा हमने आपको ये भी सिखाया था देखो प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा आपसे पूछ लेते हैं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजियो टू बेंजोइक एसिड बोलो कैसे तो हमने बताया था कोई कंपाउंड ऐसे ले लें देखो आप यहाँ पे मान लीजिए हम एन लिख दें यहाँ पे ओ लिख दें देखो एन एन मिल के आपकी नाइट्रोजन गैस एच टू ओ मिल के आपकी बोलो क्या वाटर ओ एच लगाना है तो देखो आप ओ एच लगा दो इस टाइप से देखो स्टेप बाय स्टेप और बॉन्ड पूरे करते चले जाओ रिएजेंट का नाम अपने आप आपके पास आ गया बोलो क्या नाम आ गया रिएजेंट का अपने आप एच एन ओ टू तो आप एच एन ओ टू डाल देते हैं और साइड प्रोडक्ट वाला आपकी क्या क्या, क्या निकलती है यहाँ पे देखो नाइट्रोजन गैस निकल गई देखो ये नाइट्रोजन गैस और देखो यहाँ से वाटर निकल गया तो ये वाटर निकल गया तो इस टाइप से आप देखो बेंज एमाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं

जो आपके सीएच ग्रुप है उसको आप डायरेक्ट सी एन में कन्वर्ट कर सकते है? नहीं पहले आपने क्या किया उसको कन्वर्ट किया यहाँ पे किस चीज के अंदर आपके बेंज एम के अंदर और आपको अब आप डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ से देखो एच टू हटाना है और यहाँ से क्या हटाना है बोलो ओ, ऐसे दिख रहा है तो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे लाइक पीटू फाइव जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है पीटू फाइव तो वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ से और आपके डायरेक्ट क्या बन गया बोलो बेंजो नाइट्राइल तो इस टाइप से आप बेंजोइक एसिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजो नाइट्राइल के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो बेंजोइक एसिड को बेंजो नाइट्राइल में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया पहले बेंजोइक एसिड को बेंजेमाइड में कन्वर्ट किया और उसके बाद आपने डिहाइड्रेशन करवा दी P2O5 डाल के और फिर आपके क्या बन गया बेंजो नाइट्राइल मान लीजिए आपके यह आ जाए कि कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इन टू बेंजाइल एमीन कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इन टू एमीन आ जाए आपके मान लीजिए कन्वर्जन तो आप देखो क्या करेंगे तो आप ऐसा काम कर सकते हैं देखो कि आपने मान लीजिए बेंजीन रिंग बना दिया और इसके ऊपर ये लगा दिया आपने सी एच टू और एन एच टू क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये सी एच टू पार्ट होता है देखो इतना दैट इज कॉल्ड द बेंजाइल पार्ट क्या कहलाता है बोलो ये बेंजाइल और एन एच टू लगा दिया तो बेंजाइल अमीन बन गया तो अब क्या करें देखो यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दिख रही है कि आप देखो क्या क्या कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपने सबसे पहले बेंजोइक एसिड था उसको देखो आपने कन्वर्ट किस में किया था ध्यान से देखो आपने उसको कन्वर्ट कर रखा है बताओ किस चीज में बेंजोइक एसिड को आपने बेंजाइल अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सक, कर रखा है पहले तो जो बेंजाइल अल्कोहल था उस बेंजाइल अल्कोहल के अंदर देखो आप क्या कर सकते हैं उस बेंजाइल अल्कोहल जो आपने ले रखा है उसके अंदर आप सिंपल बोलो ओ OH एच को हटा के एन एस टू लगाना है देखो एक ही डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो एक ही डिफरेंस तो बोलो क्या डालेंगे आप सिंपल आप इसके अंदर डाल दे अमोनिया क्या डाल दे बोलो एन एस थ्री तो क्या लॉस हो जाएगा देखो वाटर लॉस हो जाएगा बस अमोनिया का h और ch2h का बोलो क्या यहाँ से oh तो हो गया ना वाटर लॉस तो oh हट गया और इनस्ट टू लग गया तो भी आपके बन गए बेंजाइल एमीन क्या नाम है बोलो जो ये प्रोडक्ट आपका बना है इस प्रोडक्ट का नाम बोलो क्या है यहाँ पे बेंजाइल एमीन बेंजाइल एमीन और वे सोचे और आप क्या कर सकते हैं बेंजाइल एमीन को बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि बेंजोइक एसिड को पहले आपने है बदला। अब आप इसमें डाल सकते हैं रिडक्शन तो आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें एल आई एल एच फोर और हीट कर दें तो ये जो ओ है देखो यहाँ से ये ओ हट जाएंगे और ओ के क्या लग जाएंगे बोलो एच देखो नीचे लगेंगे एच

और सिंपल आपको देखो एक यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप ये सोचेंगे सर बेंजो नाइट्राइल हमने बनाया था उसको भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल देखो बेंजो नाइट्रायल जो आपको दिख रहा है देखो यहाँ पे बेंजो यह नाइट्राइल इस बेंजो नाइट्राइल जो आपके बना था यहाँ पे इस बेंजो नाइट्राइल को आप बोलो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे बेंजो एलिमिन -e में क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में एक ही तो डिफरेंस दिख रहा है देखो आपको यहाँ पे बोलो क्या डिफरेंस की सी और एन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड बच जाए और एच लग जाए तो मीन सिंपल रिडक्शन सिंपल रिडक्शन तो यही आप डाल देंगे जो आपने यहाँ पे डाला था इसके अंदर बोलो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं सोडियम इथेनोल एन एवलिक में सी टू एच फाइव ओ एच देखो इस टाइप से लेकिन सोडियम ओब्लिक में इथेनोल अगर आप यहाँ पे डालते हैं के अंदर नाउ दैट रिएक्शन अगर सोडियम इथेनोल ही डालें तो नाउ दैट रिएक्शन इज द मेंडियस रिडक्शन तो आप इससे बोलो क्या कहते हैं दैट इज द मेंडियस मेंडियस रिडक्शन रिडक्शन आप इसको कह देते हैं ये मेंडियस रिडक्शन हो गई क्लियर हो गया अगर आप बेंजेमाइड के अंदर इसको डालते हैं यहाँ पे सोडियम इथिनोल को यहाँ पे उसको ब्लैंक बोवियल रिडक्शन कहते हैं उसको आप क्या कहते हैं बोलो ब्लैंक बोवियल रिडक्शन कहते हैं तो इस टाइप से आपने देखा कि डिफरेंट कन्वर्जन आपको आने चाहिए एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं तो ये आपने देखा बेंजोइक एसिड की डिफरेंट रिएक्शन सो so, थैंक यू